कहते हैं काशी के कणकण में शंकर है और यही वजह है कि हर और यहाँ पर आस्था अलग अलग स्वरूपों में दिखती है। नदियाँ हो, पत्थर हो, पहाड़ हो या फिर वृक्ष पूजे जाते हैं। कुछ ऐसे ही आस्था की तस्वीर इन दिनों वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही है, जहाँ बाकायदा रोपवे के मॉडल पर चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन की, जहाँ पर बाकायदा रोपवे का मॉडल लगाया गया है और यहाँ से गुजरने वाले हजारों की संख्या में यात्री इस रोपवे के मॉडल का दीदार करते हैं, बनारस के इस बड़े प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तस्वीरों में कैद करते हैं, सेल्फी खींचते हैं और अपने साथ कैंट रेलवे स्टेशन से यहाँ की यादें लेकर के जाते हैं। लेकिन इन तस्वीरों में सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है यहाँ की आस्था की, जिसकी तस्वीर जिसका एक प्रारूप यहाँ चढ़े हुए चढ़ावे के रूप में नजर आ रहा है। जी हाँ, माँ गंगा का किनारा है और मंदिर का इलाका है, यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग अपनी श्रद्धा के साथ बाकायदा दान करके जाते हैं और यही काशी की खूबसूरती भी है जिसके लिए ये जानी जाती है। यहाँ के कड़कड़ में शंकर की जो मान्यता है वो इस रोपवे मॉडल पर आस्था के रूप में परिलक्षित होती हुई नजर आ रही है। यहाँ आने वाले हजारों की संख्या में यात्री इस रोपवे के मॉडल का दीदार करने के साथ साथ बाकायदा आस्था के रूप में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। उनका कहना है कि ये हमारी श्रद्धा है और इसी श्रद्धा के साथ हम सर्व मंगल की कामना से यहाँ पर दान कर रहे हैं। तो कुल इसलिए यहाँ गंगा है और बहुत सारे मंदिर हैं, बस सभी की आस्था होती है अपना प्रदान करने के लिए। हम के लिए अपना आस्था है कल्याण के लिए, मंगलमय सुख के लिए हम लोग दान करते कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना सहयोग दीजिए। मिला जुला के कहा जा सकता है कि कैंट रेलवे स्टेशन पर रोपवे मॉडल पर ये खास आस्था देखने को मिल रही है, जो काशी में कड़कड़ में शंकर कहते हैं और यहाँ की आस्था को परिलक्षित कर रही है। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।